हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटल गार्डन। ये देखिए, आज हम इस प्लांट के बारे में जान लेते हैं। पहले हम इसकी ब्यूटी देख लेते हैं और फिर इसके बारे में जो है हम जानकारी ले लेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इसके बारे में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही फ्लावरिंग इसमें अच्छी हो रही है। वाइट कलर्स के ये फ्लावर्स, और जो है ये देखिए, उसके अंदर से और भी फ्लावर्स खिलते हैं। इसमें जो है दोस्तों, कई कलर्स होते हैं, जैसे कि ये वाइट एंड रेड है, और ये जो है ये पिंकिश रेड का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, बिल्कुल ही खूबसूरत दिखने वाली ये बेल है। वैसे तो इसमें और एक कलर है मेरे पास, जैसे कि ये पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो मैंने आपको पहले दिखाया वो है वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन। एक फ्लावर जो है खिला नहीं, वो है जो इसका ब्रैक्ट होता है, ये पीछे वाला, वो थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में आता है, और उसके फ्लावर्स बिल्कुल इसी फ्लावर्स की तरह आते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है दोस्तों। यही दो या तीन कलर में मेरे पास अवेलेबल है। इसमें और एक वैरायटी आती है क्लेरोडेंड्रॉन की, वो भी जो है मेरे पास है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग जो है अक्टूबर के बाद ही होती है। उस पर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूँगी, एक शॉर्ट वीडियो भी उस पर मेरा बना हुआ है दोस्तों। तो चलिए इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में जान लेते हैं। ये जो प्लांट है, ये वाइन की तरह बढ़ता है, लेकिन आप इसे प्रून करके श्रब की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, मैंने प्रून किया था, तो ये श्रब की तरह बढ़ता है। और ये जो प्लांट है, इस तरीके से देखिए दोस्तों, इसे जो है ये वाइन की तरह बढ़ रहा है। इसीलिए हर हमेशा आपको जो है पिंचिंग या फिर इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तभी ये डेफिनेट शेप ले पाएगा। तो ये देखिए, इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब ये क्लाइंबर की तरह बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, क्लाइंबर की तरह बढ़ने से इसमें फ्लावरिंग जो है थोड़ी सी कम दिखती है। बुश की तरह बढ़ने से ब्रांचेस भी ज़्यादा होते हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी इस तरीके से। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा है। ये बहुत ही बड़ा प्लांट हो गया है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है दोस्तों थोड़ी सी कम है। तो इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है क्लेरोडेंड्रॉन थॉम्सोनी। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद करता है। फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग करने में मानसून सीजन में देर करता है, या फिर आप देर से प्लांट लगाते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है विंटर में भी फ्लावरिंग दिखी हुई है। मेरे पास तो विंटर में ही ये ज़्यादा खिल रहा था पिछले साल, और मानसून में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन दोस्तों, समर में बहुत ही जब ज़्यादा हीट हो जाती है, तब ये थोड़ा सा फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, और इसकी ब्रांचेस भी थोड़ी सी सूखने लगती है। ये प्लांट जो है, इसमें ज़्यादा कोई खुशबू नहीं रहती। एक बार खिलने के बाद ये फ्लावर्स कम से कम 5-6 दिन तक ऐसे ही जो है लास्टिंग करता रहता है। और इस प्लांट को जो है आप कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो है कोई भी किसी भी टाइप की जो है कटिंग चल जाती है। सेमी वुड, थोड़ी सी अगर सेमी वुड हो और थिकनेस उसकी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो तो भी, मतलब ये देखिए दोस्तों, इतनी सी भी जो है कटिंग चल जाती है। और उसके साथ दोस्तों, इसकी ब्रांच आप अगर पानी में रख देंगे तो वो भी प्रोपोगेट हो जाएगी। पानी में भी इसके रूट अच्छी तरीके से आते हैं, और बहुत ही जल्दी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। ये फ्लावर्स देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फ्लावर्स के साथ साथ इसका जो पीछे का साइड का ब्रैक्ट है, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नीचे की ओर फ्लावर्स मोस्टली झुके रहते हैं। वाइट कलर तो बहुत ही फ्रेश लगता है दोस्तों, क्योंकि वाइट के साथ साथ इसमें रेड कलर का जो फ्लावर्स होता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके फ्लावर्स जो है थोड़े से यूनिक होते हैं। 5 पेटल्स है, लेकिन ऊपर की साइड जो है वो
बने हुए होते हैं और नीचे का एक साइड जो है थोड़ा सा जो है खुला रहता है, और इसके एंड्रोशियम और गायनोशियम जो होते हैं दोस्तों, मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए एंड्रोशियम गायनोशियम बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, और इसीलिए मैंने इसकी 3-4 वैरायटी जो है कलेक्ट किया हुआ है इसका कलेक्शन मैंने। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट ये, बहुत ही हार्डी परमानेंट के साथ साथ लो मेंटेनेंस और थोड़ा सा लो केयर भी होता है। इसकी ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। पॉट जो है आप इसका साइज़ देख के जो है दे दीजिएगा, 10 इंच से लेकर या फिर 8 इंच से लेकर 12 इंच तक का पॉट आप इसे दे सकते हैं। पॉटिंग मिक्स जब भी बनाइएगा दोस्तों तो मॉइस्ट ही रहिएगा। इसकी जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन के साथ साथ थोड़ी मॉइस्ट रखिएगा। इसमें 50% सॉइल, थोड़ा सा जो है कोकोपीट या फिर राइस हस्क, और उसके साथ 30-35% या फिर ज़्यादा जो है आप कंपोस्ट मिला सकते हैं। कंपोस्ट में बोन मील, काउडंग कंपोस्ट या फिर जो है वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्लांट है दोस्तों जिनमें जो है मैंने बोन मील यूज़ किया था पिछले साल, जब इसमें फ्लावरिंग मुझे बहुत ही अच्छी दी थी उस वक्त से ही मैं बोन मील यूज़ करती हूँ। एक्चुअली बोन मील मैं नहीं डालती दोस्तों, घर वालों से मैं डाल लेती हूँ, या फिर जो है घर वाले जो डालते हैं इसे। इसमें जो है दोस्तों इस तरीके का एक बड़ा सा मैंने पाइप लगाया था, पाइप ज़मीन में गाड़ कर उसमें जो है मैंने बोन मील डाल दिया था ताकि जो है ज़्यादा बदबू ना आए और वो कवर भी हो जाए। मतलब हम जैसे रूट फीडिंग करते हैं बिल्कुल उसी की तरह मैंने बोन मील और अदर कंपोस्ट भी इसे डाल दिया था। ये जो प्लांट है ये सेमी शेडेड है, सेमी शेड में चलता है सुबह की 2-3 घंटे की, शाम की 1-2 घंटे की इसे धूप चल जाती है। पानी जो है इसकी सॉइल जैसे ही थोड़ी सी ड्राई दिखे उसे आप पानी डाल देना। पेस्ट अटैक तो इस पर अभी तक मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, कभी कभार मिली बग जो है दिख जाता है, और उसके साथ दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती। जब भी इसके फ्लावर जो है डेड हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तब आप इसे पिंच करते रहिएगा, इसके ब्रांचेस प्रून करते रहिएगा, और जो है आप जो अगर आपके प्लांट्स में अगर इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड या फिर फंगीसाइड जब आप अप्लाई करते हैं तो इस प्लांट पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये प्लांट जो है कम देखभाल में ही जो है बहुत सारा जो है फ्लावरिंग दे देता है। अब तक तो इस पर ज़्यादा कोई डिसीज नहीं दिखे है, लेकिन ब्लूमिंग जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आती है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर ये प्लांट है तो उसकी केयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।